आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद की शुद्धता की जांच की गई। मंदिर प्रशासन के एसडीएम शंभू शरण सिंह ने प्रसाद भवन से अचानक निरीक्षण किया और एसडीएम ने प्रसाद बनाने, सफाई से लेकर प्रसाद में इस्तेमाल सभी सामग्रियों की खुद जांच की है। साथ ही प्रसाद बनाने वाले कर्मचारियों से बनाने की प्रक्रिया को लेकर भी पूछा। उन्होंने खाद्य विभाग को भी बुलाया और अब जांच में प्रसाद पूरी तरह से शुद्ध और मानक के हिसाब से मिला है, फिर भी प्रसाद के सैंपल जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन इस बात को लेकर के चिंतित था कि हमारे यहाँ जो लड्डू बन रहे हैं, हालांकि हम उसकी सैंपलिंग हमेशा फूड डिपार्टमेंट से कराते हैं, फिर भी एक बार हम फिर से इस चीज़ के लिए कंफर्म होना चाह रहे थे कि सब चीज़ हमारे यहाँ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के मद्देनज़र हमारे दो वेंडर हैं, दोनों वेंडरों के लड्डू जहाँ बनते हैं उनके दोनों गोदामों पर औचक निरीक्षण किया गया है। सामानों की सैंपलिंग कराई गई है, घी की सैंपलिंग हमने कराई है, पूरा प्रोसेस को देखा है कि किस ढंग से बन रहा, बनाने में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं उसको भी हम लोगों ने ध्यान दिया है और सब चीज़ ठीक मिली है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं संगम नगरी प्रयागराज से, जहां पर छात्र नेताओं पर एफआईआर के खिलाफ छात्रों का गुस्सा भड़क उठा है। छात्र कोचिंग संचालक के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों ने कोचिंग संचालक के खिलाफ इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ भवन से लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला। छात्रों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर फर्जी केस दर्ज कराने वाले कोचिंग संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और बेकसूर छात्र नेताओं को जेल से रिहा करने की मांग की गई। आपको बता दें, कोचिंग संचालक ने छात्र नेताओं के खिलाफ 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। देखिए, जैसे बीते दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ छात्र नेताओं को साजिशन फंसाया गया था, शिवानंद नाम का एक छात्र था, उसकी फीस वापसी का प्रकरण था, उसी को लेकर दो छात्र नेता उस कोचिंग में जाते हैं और उनसे फीस वापसी की बात करते हैं, तो वो उनको चेक देता है, लेकिन चेक को जब वो बैंक में लगाते हैं तो वो चेक बाउंस हो जाता है। तो उसी के नैतिक दबाव बनाने के लिए कुछ छात्र नेता गढ़ जाते हैं और शांतिपूर्वक बात करते हैं कि गरीब छात्र है, गरीब तबके से आते हैं, आप इसकी फीस वापस कर दीजिए। लेकिन वहाँ पर पूरी तरीके से उस मामले को पलट दिया गया। इन्होंने अपने ट्वीट आर्मी के साथ ट्रोल करा के उनको रंगदार घोषित कर दिया, उनको माफिया घोषित कर दिया और उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी का मुकदमा लगा दिया, जबकि ये पूरी तरीके से झूठ है। बुलंदशहर में नगर पालिका ने जिला अस्पताल में आवारा कुत्ता पकड़ने का अभियान चलाया। नगर पालिका की टीम ने जिला अस्पताल में 1 दर्जन से ज्यादा आवारा कुत्तों को पकड़ा। जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों का वार्ड और बेड पर कुत्तों के आराम करने का वीडियो वायरल हुआ था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर को दिखाया और इस खबर का संज्ञान लेते हुए नगर पालिका की टीम ने अब अस्पताल में कुत्ता पकड़ने का अभियान चलाया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर बुलंदशहर से, भारी बारिश के चलते एक मकान की छत गिर गई। मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला और 2 बच्चे घायल हो गए। घायलों को मलबे से बाहर निकालकर जटिया अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम खुर्जा घायल बच्चे को अपनी गाड़ी से अस्पताल लेकर गए। खुर्जा कोतवाली के मुंडा खेड़ा गाँव में यह हादसा हुआ है।